इतने बड़े एक्सीडेंट को सर्वाइव करने वाले ऋषभ पंत जो कमबैक कर चुके हैं, आईपीएल में शानदार प्रदर्शन दे चुके हैं, टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह प्लेइंग 15 में तो बना ही ली थी, लेकिन प्लेइंग 11 में भी खबरों के हिसाब से तो यही आ रही है कि ऑलमोस्ट वहां पे भी उनकी जगह बन चुकी है। तो सब कुछ उन्हीं के हिसाब से फिलहाल चल रहा है, हर कोई उन्हें प्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो ऋषभ पंत को अभी भी सता रही है, या ऐसी कौन सी कसक हो सकती है जो ऋषभ पंत के दिल में अभी भी बाकी है? बिल्कुल, अगर हम एक्स की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें ऋषभ पंत जो है वो ये नई जर्सी पहने हुए नजर आ रहे हैं, और उनका ऐसा कहना है कि जो नेशनल एंथम है ना वो बहुत ज्यादा मिस करते थे, मैच होता था। अब मैच में ऋषभ पंत चूंकि इंजर्ड थे तो वो खेल नहीं सकते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 7:52 पर पूरे देश को तैयार रहना है और सपोर्ट करना है टीम इंडिया को। बिल्कुल, यहाँ पे नेशनल एंथम होगा और उनका ऐसा मानना है कि मेरे को भगवान बस इतनी शक्ति दे कि मैं इस पूरे नेशनल एंथम के दौरान सटीक खड़ा रहूँ और अपने देश को सपोर्ट कर सकूँ। और उन्होंने जो है एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई है जो आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम स्टार स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उन्होंने वहाँ पे क्या बोला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस मोमेंट को देखने के बाद जब ऋषभ पंत इस नई जर्सी में नजर आ रहे हैं ना, तो मुझे तो गूज़बम्स आए थे, और आप भी जिस तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंजर्ड होने के बाद, सर्वाइव करने के बाद ये जर्सी पहनना कितना ज्यादा किसी भी खिलाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मोरल तो एकदम ही डाउन हो चुका होता है कि पहले तो सबसे पहले खबरें आ रही थी कि आईपीएल में जगह मिलेगी या नहीं, आईपीएल में जगह मिलने के बाद खबरें आ रही थी कि टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन देखिए सब कुछ जगह उन्हें मिली और कुछ रहा, तो उस हिसाब से मोरल डाउन भी होता है कभी कभी, लेकिन मोरल बूस्ट भी हो जाता है टाइम के साथ साथ। स्टार स्पोर्ट्स पे कहते हुए नजर आया, एज अ क्रिकेटर आप सोचते ही वो अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रखो, फैमिली में एक्साइटमेंट, लेट थिंग्स हैपेंस, जो होगा सो होगा, तुम्हारा किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, तो ऋषभ पंत जो है वो काफी सारी बातें यहाँ पर करते हुए नजर आए, और जहाँ तक टीम इंडिया की बात है तो उसकी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के लिए शुरू हो चुकी है। पहले बैच में कई खिलाड़ी पहुंचे थे, और हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें वो भी जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। तो हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं, और इसमें सारे खिलाड़ी वार्म अप करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नजरें अगर ऋषभ पंत के बाद किसी प्लेयर पे टिकी हुई है तो वो हार्दिक पांड्या है, क्योंकि उनकी जिंदगी इतनी मैच्ड अप चल रही है कि हर कोई बस ये जानना चाहता है कि अगर वो फॉर्म में खेल रहे हैं या जो भी कुछ रूमर्स उनके बारे में फैल रहे हैं वो सच्चे हैं या नहीं। फोटो की अगर हम बात करें तो उसमें बुमराह, हर्षदीप, शुभम दुबे, सूर्य कुमार यादव, जडेजा, इन सब ने ही फोटो शेयर करी है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि एक और ऐसे शख्स हैं जिन पर बहुत ज्यादा निगाहें रहेंगी, और वो है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि गेंदबाजी में अगर टीम इंडिया को अच्छा करना है तो उन पर निगाहें रहने वाली है। इन मोर्गन की अगर हम बात करें, चूंकि इंग्लैंड 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन है टी20 फॉर्मेट में, तो उनका ऐसा मानना है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है, फेवरेट है। और क्यों है भाई, इंडिया में 4 स्पिनर खेलेंगे, 3 पेसर हैं, बल्लेबाजी बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। अगर ये जो ऑलराउंडर है ना हमारे शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, अगर ये जरा सा फॉर्म में नजर आ सकते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि इंडिया फाइनल तक तो उर्विका पहुंच जाएगी। एओन मॉर्गन का माइंडसेट क्या है एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उनका कहना है, फॉर मी द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड इवन विद इंजरीज थ्रू आउट द टूर्नामेंट इज इंडिया विदाउट अ डाउट। The strength and the depth is absolutely incredible at the moment. We are talking about the players who missed out in the squad of 15 because of the quality they possess. बिल्कुल, रिंकू सिंह इसी वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं हो पाए कि 15 में जो है ना वो सारे अच्छे अच्छे प्लेयर ऑलरेडी शामिल कर लिए गए थे। और जहाँ तक संजू सैमसन की बात है, जिनका सीधा जो डिबेट है या सीधा कंपटीशन है वो ऋषभ पंत के साथ है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने पिछले 2-3 महीनों में मोबाइल फोन छूना छोड़ दिया था, और इस वजह से छोड़ा कि भाई अगर टीम इंडिया में जगह बनानी है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, और उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि मेरा वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए फोन सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको कुछ पाना है तो आपको खोना पड़ेगा, हर ऐसी चीज को इग्नोर करना पड़ेगा जो आपका माइंड डाइवर्ट कर सकती है। संजू सैमसन का कहना है, इट को लेके वो कह रहे हैं, अपने वर्ल्ड कप सिलेक्शन को लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं। उनका कहना है, वाज अ वेरी इमोशनल वन, इट वाज समथिंग व्हिच आई डोंट एक्सपेक्ट मच एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई न्यू दैट आई वाज नॉट वेरी क्लोज टू बीइंग सिलेक्टेड, आई न्यू दैट आई हैड टू डू समथिंग रियली स्पेशल इन दिस आईपीएल टू गेट देयर। दैट इज वेयर आई डिसाइडेड आई हैव टू पुट माई फोन अवे, आई थिंक आई एम टोटली कट आउट फ्रॉम माई फोन इज ऑफ फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स। उर्विका, अगर हम पिछले कुछ 8-10 साल देखेंगे ना, तो महेंद्र सिंह धोनी भी विकेट कीपर थे और वो भी मोबाइल फोन को दूर रखते थे। अब संजू सैमसन भी जो है वो मोबाइल फोन को दूर रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये मोबाइल और विकेट कीपर्स का एक अलग ही जो है वो रिलेशन है। अगर आईपीएल की बात करें, 15 मैच संजू ने खेले, 531 रन बनाए, 48 का एवरेज और 153 का स्ट्राइक रेट, ऑरेंज कैप में 5th नंबर पर रहे थे, बहुत ज्यादा दावेदार ये भी है।
और जिस टीम के कैप्टन थे राजस्थान रॉयल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अनएक्सपेक्टेडली राजस्थान रॉयल शुरू से लेकर एंड तक अपनी जगह टॉप पर बनाने रखने में बहुत ज़्यादा अच्छे से वो कर पाई, और अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि किसी को भी नहीं लगा था कि ये ऐसी टीम कभी इतनी आगे बढ़ पाएगी। यहाँ पे अगर हम विराट कोहली को लेके बात कर लेते हैं, क्योंकि खबरें आ रही थी कि जो पहला वार्म अप मैच है वो नहीं खेलने वाले हैं बांग्लादेश के खिलाफ जो होगा, तो सबसे बड़ी बात है कि माफ़ कीजिएगा विराट कोहली जिस फॉर्म में खेल रहे हैं ना, अगर वो वार्म अप मैच नहीं भी खेलते तो उनकी हेल्थ पे या उनके गेम प्ले पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्कुल, लेकिन रूमर्स जो है वो यही आ रही है कभी कि जो बांग्लादेश के खिलाफ 1 जून को वार्म अप मैच होगा वहाँ पर विराट खेलेंगे, कभी आता है कि नहीं खेलेंगे। चलिए, बहुत ही जल्द जो है वो कंफर्म हो जाएगा और हम आपको बताते रहेंगे। और कल की अगर हम बात करें तो अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, ज़हीर खान और उनकी वाइफ जो है वो एक कह सकते हैं कि लंच या डिनर पर जो है वो नजर आए हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत जिस तरीके से कह रहे हैं कि नेशनल एंथम मिलकर गाना है, सबको सपोर्ट करना है टीम इंडिया को, तो वो तो होने वाला है। लेकिन उर्विका लगातार जो हमारा चैनल है वो अच्छा कर रहा है और पाकिस्तान से भी कमेंट आ रहे हैं, तो 9 जून को जो है वो अच्छी खासी मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है, क्योंकि 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जो मेरे हिसाब से इंडिया में तो एक फेस्टिवल की तरह माना जाता है कि जैसे मान लीजिए बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है उस तरीके से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को देखा जाता है। तो 9 जून को हम ये सब देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऋषभ पंत ने जो ये चीज़ें बोली है, कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर उनका मॉरल जो है बूस्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।